Hello students, मैं डॉक्टर स्मिता जैन, सीनियर लेक्चरर ब्यूटी कल्चर। मैं आज आपको फर्स्ट के कोड नंबर PC 104 यूनिट नंबर 1 में सबसे फर्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि पर्सनैलिटी क्या होती है और इसकी क्या विशेषताएं होती है और ये क्यों जरूरी है। वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे कि पर्सनैलिटी अच्छा होना क्यों जरूरी है। इफेक्टिव पर्सनैलिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व आपके जीवन में कितने बदलाव लाता है, आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाते हैं, आप लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं, आप लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं और समाज में आपकी पहचान बनती है। इन सब के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ब्यूटी कल्चर के इस सब्जेक्ट में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पढ़ने को मिल रहा है। पर्सनैलिटी का अच्छा होना हमारे सभी फील्ड में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी तो आप लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाओगे और आपकी कोई पहचान भी नहीं बनेगी, आपको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावी हो, आप ऐसे हो कि लोग ये सोचे कि हमें भी आपके जैसा बनना है। तो इसके लिए हमें किन बारे में रखना है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व क्या चीज है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का पर्याय है, मतलब पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व एक ही चीज़ है। लेकिन पर्सनैलिटी हम इंग्लिश में बोलते हैं वाओ क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन इस पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें होती है और अच्छी पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई, ये एक यूनानी वर्ड है परसोना। मुखौटे को कहते हैं, पहले के लोग जब मुखौटा लगा के कोई भी एक्ट करते थे तो उसे उस पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता था। तो ये उत्पत्ति वहाँ से हुई है। उस समय व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य गुणों से लगाया जाता था, यानी जो भी मुखौटा आपने लगाया है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग हो जाया करती थी। ये धारणा व्यक्तित्व के पूर्ण अर्थ की व्याख्या नहीं करती। व्यक्तित्व की कुछ आधुनिक परिभाषाएं इस प्रकार है, यानी जो पर्सोना है वो एक मुखौटे से संबंधित होता है कि भाई बाहरी आपका जो मुखौटा है तो आपका गुण उसके अकॉर्डिंग हो गया। जैसे कोई आपने राम का वस्त्र धारण किया तो आपके अंदर राम के गुण आ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक मुखौटा है। तो आपको अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने के लिए उसके अनुसार बनना चाहिए, मतलब आपके अगर व्यक्तित्व अच्छा है तो आपने उस अच्छे व्यक्तित्व के सारे गुण भी विद्यमान होने चाहिए। इसके लिए आजकल ऐसा नहीं माना जाता कि आपने जो मुखौटा लगाया वो आपका व्यक्तित्व होगा, लेकिन आंतरिक जो गुण होते हैं, आंतरिक और बाह्य गुणों से व्यक्तित्व अच्छा कहलाया जाता है। इसलिए हम ये पढ़ेंगे कि हमारे आंतरिक गुण अच्छे होने चाहिए। देखिए बाहरी गुण तो बहुत सामने सामने रहता है कि व्यक्ति कैसा लग रहा है, सुंदर है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, स्मार्टली बात कर रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर तक उसके साथ रहोगे और उसके गुणों को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और ना हो सकती है। इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों अच्छी व्यक्तित्व की पहचान। फोर्ड है वैज्ञानिक, उन्होंने लिखा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, मतलब बहुत सारे गुणों का जो समन्वित रूप होता है वह व्यक्तित्व कहलाता है। वुडवर्थ लिखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, मतलब बहुत सारी विशेषताओं का जो व्यक्ति होता है तो उसके व्यवहार ही डिफरेंट हो जाता है, वो व्यक्तित्व कहलाता है। मार्टिन लिखते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है।
वही है कि मतलब बहुत सारी इमोशंस, आपकी इच्छाएं, आपके स्वभाव, सब कुछ मिला के व्यक्तित्व बनता है। बिग एडमंड हंट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवर्तन का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। मतलब जब हम किसी सोशल मीटिंग में जाते हैं या सोशल कोई समारोह में जाते हैं, तब पता पड़ता है कि आपके व्यक्तित्व कैसा है, कि ये कह रहे हैं। ऑलकोट कहते हैं कि व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य के उन शारीरिक तथा आंतरिक प्रवृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों गुण ऐसे होने चाहिए कि आपके आसपास जो वातावरण है, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लें। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का ऐसा गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। अब आप समझें चीज से कि व्यक्तित्व जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी माहौल में है, किसी भी वातावरण में है, तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लें। ऐसा नहीं कि हम तो ऐसे नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे तो आप सबके चहेते कहलाएंगे। तो ये व्यक्तित्व की परिभाषा है। अब एक व्यक्तित्व की सार्थक परिभाषा क्या है कि व्यक्ति के चारित्रिक गुणों लक्षणों के समूह में भी जा सकते हैं। मतलब उसका चरित्र और उसके लक्षण कैसे हैं, उन सबका एक ग्रुप, एक समूह एक व्यक्ति के अंदर होता है, तो वह एक अच्छे व्यक्तित्व की परिभाषा है। ये लक्षण और गुण उसके बाहरी आचरण में प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली होती है और उनके विचारों और संस्कारों में छिपी होती है। जैसे आपके विचार होते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है। उन्नत व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाता है। देखिए, हम अंदर जो भी सोचते हैं, हमने यहाँ सोचा कि अरे ये गंदा, ये गंदा, ये ऐसा, ये वैसा, तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसे हो जाएगा, हम एक्सप्रेस भी उस चीज को वैसे ही करेंगे। लेकिन हम अगर पॉजिटिव रहते हैं किसी चीज को लेके और सब कुछ हमको अच्छा नजर आता है, हम अच्छा बोलते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा कहलाता है। कोमल भावनाएं और संवेदनाएं इससे भावपूर्ण बनाती है। आप किसी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करिए, आप उसके प्रति रिगार्ड प्रकट करिए, तो आपका व्यक्तित्व अच्छा कहलाएगा। हर व्यक्ति गुणों से ही गुणवान बनता है। अच्छा व्यवहार व्यक्तित्व की जान है। अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह बहुत जरूरी है कि अपने चरित्र, चिंतन और व्यवहार को सुधारा जाए और इसमें बदलाव किया जाए। पर्सनैलिटी को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए कई गुणों को विकसित करना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई एक गुण है आप में और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कहलाएगी। इसके लिए हमने पहले भी देखा है कि ये एक समूह के रूप में हमारे चारित्रिक गुण और लक्षण होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें होती है तब आपका व्यक्तित्व अच्छा कहलाता है, और अगर नहीं है तो इसमें बदलाव किया जाए। पर्सनैलिटी को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए कई गुणों को विकसित करना पड़ता है। इसके निर्माण में कई चीजें काम करती है और इनमें से एक है आपका स्वभाव। यह व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। ये आपके भीतरी स्वरों का श्रेष्ठ और सच्चा तत्व है। मतलब जैसे आपके अंदर आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव से ही कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता है। इसी से व्यक्ति लोगों का सम्मान और तिरस्कार पाता है। व्यक्तित्व की प्रशंसा या निंदा की वजह बनता है। मतलब आप अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं दूसरों से, अगर आपका मन अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, तो आप व्यवहार भी अच्छा रखेंगे और उससे आप अच्छे कहलाए जाएंगे। और अगर नहीं है, इसके अपोजिट है, तो आपको तिरस्कार मिलता है, आपको निंदा मिलती है और आपकी प्रशंसा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, ये हम बताएंगे आपको कि व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक एकदम प्रभाव डालते हैं, यानी कौन से कारक ऐसे हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है वंशानुक्रम का प्रभाव। व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का
बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह वंशानुक्रम का पड़ता है। स्किनर व हैरीमैन का मत है कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है, उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और व्यवसायिक शक्तियां प्राप्त होती है। यानी हमको हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ हमारी शारीरिक बनावट, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे इमोशंस, हमारी व्यवसायिक शक्तियां प्राप्त जरूर होती हैं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। बालक जन्म के समय मानव पशु होता है, इसमें सामाजिक वातावरण के संपर्क से परिवर्तन होता है। वह भाषा, रहन-सहन का ढंग, खान पान का तरीका, व्यवहार, धार्मिक और नैतिक विचार आदि समाज से प्राप्त करता है। समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का उत्तरदायित्व समाज का होता है। यानी जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, किस प्रकार का रहन सहन, किस प्रकार का खान पान, व्यवहार, तौर तरीके, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका सामाजिक वातावरण कैसा है। अगर अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा कहलाएगा, और अगर अच्छा नहीं होता है तो व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं कहलाता है। परिवार का प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य परिवार से प्रारंभ होता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो वो परिवार के द्वारा, जब बहुत ही छोटा होता है तब से वो देखता है कि उसके परिवार में कैसा माहौल है, जो कि समाज द्वारा पूरा किया जाता है। परिवार में प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता के वातावरण से बालक में साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि के गुणों का विकास होता है। कठोर व्यवहार से वह कायर और असत्यवादी बन जाता है। मतलब परिवार में जैसा वातावरण होगा उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा वैसा बन जाता है। फिर फोर्थ है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। समाज व्यक्ति का निर्माण करता है तो संस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित करती है। मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसके अनुरूप उसका व्यक्तित्व होता है। मतलब आपका कल्चर कैसा है, आप कौन से कल्चर में पैदा हुए हैं, आपका वातावरण, आपके आसपास की स्थिति कैसी है, समाज कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका व्यक्तित्व हो जाता है। फिफ्थ है विद्यालय का प्रभाव। पाठ्यक्रम, अनुशासन, खेलकूद, शिक्षक का व्यवहार, सहपाठी आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। विद्यालय में प्रतिकूल वातावरण मिलने पर बालक कुंठित और विकृत हो जाता है। यानी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कैसे माहौल में रहते हैं, आपके टीचर्स कैसे व्यवहार करते हैं, जैसे कि अभी तक भी आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनका वातावरण कैसा है, ये सब कुछ आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे वातावरण में रहिए, क्योंकि अब आप ये समझ गए हैं कि आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर सिक्स्थ है संवेगात्मक विकास। अनुकूल वातावरण में रहकर बालक संवेगों पर नियंत्रण रखना सीखता है। संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति में बालक का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। इसलिए वांछित व्यक्तित्व के लिए संवेगात्मक स्थिरता को पहली प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, मानसिक योग्यता व रुचि का प्रभाव। व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है वह उसी में सफलता पा सकता है, और सफलता के अनुपात में ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अधिक मानसिक योग्यता वाला बालक सहज ही अपने व्यवहारों को समाज के आदर्शों के अनुरूप बना लेता है। यानी आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा। लेकिन अगर आपकी रुचि किसी और में है और आप किसके कहने से दूसरे काम करते हो, दूसरे रुचि का काम करते हो, तो आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो आप कुंठित होंगे और आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। फिर एक है शारीरिक प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन, शारीरिक रचना आदि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शरीर की दैहिक दशा, मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके अलावा बालक के मित्र मंडली और पड़ोस भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कितने सारे कारक
कारक है, कितनी सारी कारण है कि हम किन किन कारणों से, किन किन कारकों से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है, हमें इसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम किस वातावरण में रहते हैं,